एक वाक्य मैं कई मरतबा पहले भी सुना चुका हूँ, फिर सुना देता हूँ कि एक शख्स तिजारत के लिए निकला। उसकी बीवी उम्मीद से थी। कुछ अरसे के बाद वो वापस आया, पैदल सफर करने का जमाना था। तो कुछ अरसे के बाद वो वापस आया तो बीवी से पूछा, सुना। उसने कहा, अल्लाह ने बेटा दिया था तेरे जाने के बाद, तो अब तो वो चलता फिरता है, खेलता है, बोलता चालता है। कहा, मुझे मिलवाओ तो सही। वो मियां बीवी दोनों जो थे ना, उनका रंग गोरा था, चेहरे का रंग, यानी अल्लाह ताला ने उनका रंग गोरा बनाया था, गोरी रंगत वाले थे दोनों। जब वो बच्चा बाहर से आया ना खेल के, तो बाप ने देखा बच्चे का रंग काला था। उसने कहा, ये तेरा बेटा है? उसने कहा, वहीं रुक जा बच्चे। अपनी बीवी से कहा, ये मेरा बच्चा है? उसने कहा हाँ। वो कहने लगा कि मेरा रंग भी गोरा है, तेरा रंग भी गोरा है, ये काला है, ये वाकई मेरा है, मैं तो नहीं मानता, मैं कैसे यकीन कर लूं। अब उस वक्त डीएनए तो था नहीं, कि जो लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करवाते कि इसके वो नमूने मैच करते हैं या नहीं, ऐसा सिलसिला तो था नहीं। अब उस खातून ने कहा, तू क्या समझ रहा है कि मेरा आंचल दागदार है? खबरदार ऐसी बात ना करना, ये बच्चा तेरा ही है, मेरा अल्लाह जानता है। उसने कहा, फिर मैं कैसे मानूं? मुझे तसल्ली दे, ना तुझ पे गया ना मुझ पे गया। उसने कहा, फिर ऐसा करते हैं, इस बच्चे को ना हुजूर की बारगाह में ले चलते हैं। इस बच्चे को हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में ले जाते हैं तो सरकार से पूछते हैं, आका आप फैसला कीजिए ये हलाली है या हराम है। हुण मैं सीधी गल करा ना, या रसूल अल्लाह आप फैसला कीजिए। अब दोनों मियां बीवी हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में आ रहे, आका तशरीफ फरमा थे, तो आके उन्होंने सलाम किया, सवाल किया। खातून कहती है, जी ये मेरा खावंद है, ये तिजारत के लिए कहीं बाहर था, मैं उम्मीद से थी, फिर मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, फिर कुछ अरसे के बाद ये वापस आया। आज जब ये वापस आई, ये कहता है ये बच्चा मेरा है ही नहीं, सिर्फ इस वजह से इसकी रंगत काली है, ये अल्लाह की मर्जी है। ये कहता ना तुझ पे गया ना मुझ पे गया, बता इसका बाप कौन है? तो ये मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। ये बात करते ही ना, अभी हुजूर ने जवाब नहीं दिया, सामने से इमाम हसन मुज्तबा आ रहे थे, सामने से इमाम हसन ने मुज्तबा तशरीफ ला रहे थे। तो आका करीम अलैहि सलाम की तवज्जो अपने शहजादे की तरफ थी, क्योंकि हुजूर ने फरमाया इन नबनी हाजा सैयद, ये मेरा बेटा सरदार है। अब हसन आ रहे थे, मेरे नबी अलैहि सलाम इतनी मोहब्बत करते थे इमाम हसन के साथ कि जब हुजूर नमाज पढ़ते ना, तो हसन छोटे थे ना, तो उनकी आदत थी हुजूर के ना टांगों के दरमियान से कभी नीचे से पीछे चला जाना, कभी पीछे से आगे की तरफ। तो हुजूर अलैहि सलाम क्या करते, हुजूर ना टांगे ऐसे चौड़ी करके खोल के नमाज पढ़ते, ताकि मेरा शहजादा अपने खेल पूरी कर ले, इतनी मोहब्बत करते। अब हुजूर हसन की तरफ देख रहे हैं, उनका भी जवाब नहीं दिया, तवज्जो है मेरी तरफ, उनका भी जवाब नहीं दिया। तो जिस वक्त जनाबे हसन हुजूर के करीब आए ना, वो जो बच्चा नहीं था जिसका डीएनए होना था, यानी हलाली या हराम, वो बच्चा खड़ा हो गया, पहुंच गया होना, वो बच्चा खड़ा हो गया। जब वो बच्चा खड़ा हुआ ना, हसन मुज्तबा ने उसकी तरफ देखा, उस बच्चे ने सलाम किया, सलाम करने के बाद उस वक्त तक बैठा 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 जब तक हसन नहीं बैठे। अब वो बच्चा इंतजार में, हसन बैठे तो मैं बैठूं, बस बस इमाम हसन नाना की झोली में बैठ गए, दाढ़ी मुबारक से खेलना शुरू कर दिया। उधर वो बच्चा अम्मा की झोली में बैठ गया। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, उस नौजवान से कहा, हाँ भाई तू क्या कहता है, ये बच्चा तेरा नहीं है? उसने कहा, मुझे शक तो यही है, पर मैं तूने मेरे बेटे को आते देखा है? देखा है, अपने बेटे को देखा, उसने क्या किया? कहा उसने खड़े होकर इस्तकबाल किया, फिर क्या किया? कहा सलाम किया, फिर क्या किया? कहा उस वक्त तक बैठा नहीं जब तक आपका शहजादा नहीं बैठा। पर मैं किस लिए? कहता जी इसने आपके बेटे का एहतराम किया है। फरमाया अभी भी तुझे शक है ये हलाली या हराम?
भाई अभी भी तुझे शक है ये हलाली है या हरामी है? फरमाया कोई भी हरामी मेरी आल का अदब नहीं कर सकता और कोई हलाली मेरी आल का बुग्ज नहीं रख सकता, कोई हलाली मेरी आल का बेअदब नहीं हो सकता। ये जितने अदब वाले हैं, बल्कि ये जितने अदब वाले हैं, ये सारे हलाली हैं। इस बात की सनद है, दलील है कि शहजादों का नाम आता है, किसी की आंख से आंसू चल रहे हैं, अजमत की बात सुनते हैं तो चेहरे खिल उठते हैं। तुम्हारी माओ की अजमत को लाखों करोड़ों सलाम। अभी भी तुझे शक है? अदा नहीं जी, होने शक दूर हो गए। अब तो सारे शकूक व शुबात खत्म हो गए। अब झगड़ा किस बात पे था? उसका रंग काला, इसी पे तशवीश हुई ना। तो फिर क्या हुआ? इमाम हसन उठे। ये पहली मरतबा मैं पूरी बात आप सुना रहा हूँ, पहले शायद मैंने ये पूरी बात बयान नहीं की, यहीं तक की है, आज पूरी कर दूं। इमाम हसन नाना की झोली से उठे। पता था कि इस कैबे को इसका रंग पसंद नहीं आया, शायद तो हो सकता खलश दिल से ना जाए। तो करीब जाके ना उस बच्चे के चेहरे पर हसन ने हाथ रखा, बस गोरा नन्ना हाथ लगने की देर थी, उसका चेहरा ऐसे चमका जैसे चौदहवीं रात का चांद चमकता। ये तो बचपन है। अल्लाह